जय हिंद साथियों, जो सपना देखा था उसने सेना में जाने का, अब वो कभी पूरा नहीं होगा। आर्मी की वर्दी पाने का उसका जो जज्बा और जुनून था, वो दूसरों में भी देशभक्ति जगा जाता था। भले ही 2 साल से अधिक समय से सेना भर्ती रैली और 1 साल से एग्जाम पर रोक लगी है, लेकिन उसे यह विश्वास था कि एक दिन सेना भर्ती भी शुरू होंगी और एग्जाम भी होगा। बस इसी उम्मीद और सेना में जाने के एक पागलपन, एक जुनून जो होता है, उसी के चलते वो हर रोज सड़कों पर दौड़कर पसीना बहा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सेना की वर्दी पहनने का सपना इस जन्म में पूरा नहीं होने वाला। उसे क्या, उसके दोस्तों, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन को भी नहीं पता था कि उन्हें एक रोज यह दिन भी देखना पड़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के कस्बा बैंसवा के समीपवर्ती गांव मिर्जापुर निवासी जगवीर सिंह के 18 वर्षीय छोटे बेटे राकेश की। राकेश हर रोज की तरह सुबह गांव से अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर दौड़ लगाने गया था। सुबह करीब 6 बजे गांव मोहकमपुर के समीप अलीगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक ने राजेश को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद भाग रहे ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर मथुरा थाना के यमुना पार क्षेत्र में पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस को सौंप दिया और परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये लापरवाह वाहन चालक किसी परिवार से उसका बेटा छीनते रहेंगे, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कितने ही मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिनमें सेना भर्ती दौड़ की तैयारी करते युवा को वाहन ने टक्कर मार दी और उससे उसकी मौत हो गई। आखिर इन युवाओं के लिए स्टेडियम की सुविधा कब की जाएगी, कब तक ये खतरे के बीच सड़कों पर दौड़ते रहेंगे। जो लड़का राजेश अभी हादसे का शिकार हुआ है, उसके परिवार में पिता जगवीर सिंह सेना में ही सूबेदार हैं। 3 संतानों में सबसे बड़ा बेटा प्रेमवीर सिंह भी सेना में है। वहीं परिवार में एक सबसे छोटी बेटी वंदना है। राजेश के हादसे के बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी माँ मंजू देवी बार बार बेसुध हो रही थी, बेटे को याद कर कर वो जोर जोर से रो रही थी। लोग उन्हें ढांढस भी बधा रहे थे। लेकिन इसका समाधान तब ही होगा जब सरकारें, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाएं मिलकर इन युवाओं के दौड़ने के लिए स्टेडियम की सुविधा कराएंगे। इसलिए सभी युवा अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्टेडियम की मांग करें। और जो साथी अभी मजबूरी बस सड़क पर दौड़ने को मजबूर हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, तो उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप दौड़ते समय बेहद सावधानी बरतें। और देखिए, सभी युवाओं से हम विशेषकर कहना चाहेंगे कि आप ईयरफोन लगाकर तो बिल्कुल भी न दौड़ें। और विशेषकर जो हमारे साथी स्टेडियम के अभाव में सड़क पर दौड़ कर तैयारी करते हैं, वो तो ईयरफोन कान में लगाकर बिल्कुल भी दौड़ की तैयारी ना करें, यानी दौड़ते समय ईयरफोन का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि साथियों, आपको नहीं पता कि कितने ही लापरवाह वाहन चालक खुले आम बहुत ज़्यादा स्पीड में सड़कों पर वाहनों को दौड़ाते रहते हैं। वो नशे में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि सामने क्या है, और वो ऐसे ही कितने ही लोगों को रौंद जाते हैं। इसलिए सभी साथी इस बात का विशेष ख्याल रखें। हम हादसे में शिकार हुए भाई राजेश की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उस भाई की आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारों पर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, इस गहरे दुख से उन्हें बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।